साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज नए टॉपिक पे बात करेंगे भाई, सिंगापुर से रिलेटेड। काफी टाइम से यार मैंने सिंगापुर के वैकेंसीज जो क्या इंक्वायरीज वीडियो बनाया नहीं था। आज मेरे पास सडनली एक बंदे ने ऑफर लेटर भेजा, मैंने उसको चेक किया तो उसकी सच्चाई कुछ अलग थी जो आप जानना चाहते हैं। जो हो सकता है बहुत सारे लोग सिंगापुर के नाम से अप्लाई कर रखे होंगे, कहीं ना कहीं किसी एजेंट के पास ऑफिस में वगैरह वगैरह फेसबुक पे ऐड देखे, यूट्यूब पे ऐड देखे, उसके बारे में बात करूंगा। और आज से 4-5 दिन पहले एक बंदे ने मुझे कांटेक्ट किया फीस डाल के कि सर ये वैकेंसीज बताइए ऑफिस का, उसने नाम बताया। तो मैंने बोला भाई इसके देख ला थोड़ा, ये बंदा मुझे गड़बड़ लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। तो उस बंदे ने उस ऑफिस वाले को मेरी वॉइस रिकॉर्ड करके उसको सेंड कर दी और उसने मुझे गालियां देनी व्हाट्सएप पे स्टार्ट कर दी। दुबई के नंबर से, इंडिया के नंबर से फोन नहीं किया, दुबई के नंबर से व्हाट्सएप पे स्टार्ट कर दी गालियां देना। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, 3 महीने या 4 महीने लास्ट मेरा थोड़ा मैटर है वो खत्म हो जाए 5-7 लाख रुपए का, उसके बाद आपको मैं देख लेता हूं, ठीक है ना। आप जो ये गालियां दे रहे हो ना, ये मेरे पास सहेज के रखी हैं, और जो ये आप चूतिया बना वो जो बेवकूफ बनाने वाला लोगों को काम कर रहे हो और मेरी मेरे को आप धमकी दे रहे हो, ठीक है ना, कि अब मैं आपको ये कर दूं और वो कर दूं। जब मैं आप झूठ बोल ले, आप गलत काम करके भी डरते नहीं हो, है ना, और मैं सही काम करके भी आपसे डर जाऊंगा। मैं आपका कहने का मतलब ही है ना, 3-4 महीने रुक जाओ आप, जो ये गलत कर रहे हो ना आपको सबको देख लूंगा मैं, और देख लूंगा नहीं, बहुत कुछ करना आता है भाई, थोड़ा सा वेट करिए आप। क्योंकि मूर्ख इंसान से बढ़िया है कि मूर्ख को टक्का देना, अकल नहीं देना, ये सत्य बात है। मैं पढ़ा लिखा इंसान, आप लेबर कैटेगरी के लोगों से मैं भिड़ना नहीं चाहता। जब भिड़ूंगा ना तब दुकान पूरी क्लोज करके शटर के ताला लगवा दूंगा मैं, ये नोट कर लेना। तो आज मैं एक बात बता दूं आपको, ये भाई हैं एमपी से, ठीक है, और इनका नाम है, नाम मैं नहीं ले पाऊंगा अभी, ठीक है। ये काम करते हैं कपड़े से रिलेटेड, इनको काम आता है जैसे शोरूम में, शॉप में, शॉप वगैरह में जो कपड़े का काम करते हैं ना लोग, उनसे रिलेटेड इस बंदे को काम आता है। कलकत्ता में कोई ऑफिस था, आज तक मैंने जितने वीडियो बनाए किसी ऑफिस का नाम नहीं लिया, किसी एजेंट का नाम नहीं लिया, ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम बाद में ये सब कुछ स्टार्ट कर देंगे अपन। कोई कलकत्ता में ऑफिस है, ठीक है, उसमें उन्होंने पता नहीं फेसबुक से कोई कॉन्टेक्ट कर लिया होगा, तो उन्होंने तुरंत उसको ऑफर लेटर भेज दिया सिंगापुर का, ठीक है साथियों, गौर से सुनने की बात है। सिंगापुर का ऑफर लेटर भेज दिया, बंदे ने मुझे सेंड किया, बोला सर चेक करें। तो मैंने उसको देखा, मैं बोला भाई कौन से काम में जा रहे हो, बोला सर मेरा कपड़े का काम आता है मुझे, कपड़े से रिलेटेड शोरूम में मैं काम करता हूं। जबकि इसका काम था साथियों किसी होटल में इलेक्ट्रिशियन का, ये ऑफर लेटर दे दिया। बंदे को ये भी नहीं पता कि अपना ऑफर लेटर किस चीज का आया है, अपना काम क्या है। ऑफर लेटर सेंड करके इसमें सैलरी बता दी 800 सिंगापुर डॉलर बता दिया, 8 घंटे ड्यूटी बता दी, इलेक्ट्रिशियन का काम बता दिया, बिना इंटरव्यू उसका ऑफर लेटर भी सिंगापुर से आ गया। ये तो बात हो गई एक। अब उसको दबाव बना जा रहा है कि आप ऑफिस में आओ, मेडिकल करवाओ, 8,000 रुपये लेके कलकत्ता पहुंचो। अब यार अफसोस होता है भाई, पहली बात तो कलकत्ता के मेडिकल की जरूरत नहीं होती, दूसरी बात अगर करवा भी लेता है कोई तो कहीं से भी मेडिकल करवा के कुरियर कर दो ना। यानी मेडिकल करवाने के लिए एमपी का बंदा, मध्य प्रदेश का बंदा कलकत्ता जाएगा क्या यार? ये 2 लाख रुपए बंदे से मांगे गए हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग चाहते क्या हो यार, इस तरह से भी होता है क्या? मतलब कुछ भी बंदा क्यों काम नहीं आता, उसको ये भी नहीं पता कि ऑफर लेटर में नाम क्या लिखा होता है यार, क्या मतलब होता है? जब मैं लोगों को बताता हूं तो आप मुझे है ना धमकी देना स्टार्ट कर देते हो भाई। लेकिन वो एजेंट, वो लोग दूसरे होंगे जो डरते हैं, समझ गए? मैं डरने के लिए नहीं बैठा हूं यार, डराने के लिए बैठा हूं मैं, समझ गए बात को? सच्चाई ये है, अभी तो मैंने कुछ शुरुआत ही नहीं करी यार, शुरुआत करेंगे तब देखते हैं क्या होता है, कौन मार्केट में रहता है और कौन भागता है, वो तो वक्त वक्त की बात है। भागने भी नहीं दूंगा, ये भी बता दूं मैं, भागने नहीं दूंगा, अंदर हो गए आप सबके सब जो ये कर रहे हैं ना बेवकूफ बनाने का काम, और ऊपर से गाली गलौज कर रहे हैं, मेरे मोबाइल में सब सेव पड़ा भाई, ठीक है। तो भाई देखिए, अगर आप सिंगापुर के नाम से 4-5 ऑफर लेटर आए पड़े यार, मैं कितने वीडियो बना के डाल सकूं? नहीं डाल सकता मैं इतने वीडियो, ये डालना जरूरी था। क्या मतलब होता है सिंगापुर ऑफर लेटर दे दिया, मेडिकल करवा लो आप, 8,000 रुपये लेके वहां जाओ, मुझे समझ में नहीं आता क्या ये है ये, और लोग भी बेवकूफ। ये बंदा अगर मुझे फीस दे के कॉन्टेक्ट में नहीं आता तो इसने रेलवे की टिकट भी बुक करवा ली थी, कितनी अफसोस की बात है। बंदा जा रहा था मेडिकल के पैसे लेके 8,000, यानी यहां से पहुंच के वापस बंदा आता 5-7 हज़ार, 10 हज़ार उसका खर्चा, 8,000 उनको, यानी बंदा 18-20 हज़ार के नीचे आ जाता आराम से। पासपोर्ट फोर रख लेते, फिर पासपोर्ट लेने के पैसे मांगते। कितने लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं, सर पासपोर्ट फंसा हुआ, एजेंट पैसे मांग रहा है, ऐसे आते हैं ना।
लेकिन यहाँ पता नहीं लोग क्या चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं, उस पर बहुत सारी वीडियो बनाए, बार बार बोलने में कोई फायदा नहीं। तो भाई सिंगापुर के नाम से अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो थोड़ा सा देख परख लें, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखें। वीडियो इतना ही आज के लिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह के नई टॉपिक पे नई जानकारी, नई मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।